हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट टू है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुमो अपनी आवाज ठीक करने के लिए ताइन की शॉप में आता है। ताइन मोमो को बोलती है, इस पागल को तुम अटेंड कर लो। मोमो उसे मेन्यू दिखाती है, सुमो टिक कर बता देता है। मोमो उसके लिए आइसक्रीम बनाकर लाती है, सुमो खाता है पर उसकी आवाज ठीक नहीं होती। सुमो से कोई और आइसक्रीम ऑर्डर करता है, मोमो फिर से लाती है, सुमो की आवाज अभी भी ठीक नहीं होती। इसके बाद सुमो सारी ही आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। ताइन को गुस्सा आता है और उसे खुद अपने हाथों से आइसक्रीम बनाकर दे देती है। सुमो आइसक्रीम खाता है, ताइन उसका आई कार्ड देखकर पूछती है, क्या तुम सामने वाली कंपनी में काम करते हो? सुमो कोई जवाब नहीं देता और स्माइल करने लग जाता है क्योंकि उसकी आवाज ठीक हो गई होती है। ताइन उसे देखती रहती है, सुमो स्माइल कर वहाँ से चला जाता है। मोमो सुमो से पूछती है, ये क्या कह रहा था? ताइन बताती है, फिर से स्माइल कर चला गया। थोड़ी देर बाद ताइन घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसकी बाइक फोंग की कार से टकरा जाती है। ताइन उसे सॉरी बोलती है और फिर बोलती है, तुम तो वही हो जिसकी गर्लफ्रेंड को मैंने आइसक्रीम दी थी और वो तुम पर फेंक कर चली गई थी। फोंग बोलता है, उस दिन के लिए थैंक यू, अगर तुम उस दिन ना होती तो आज मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ होती। ताइन बोलती है, नेक्स्ट टाइम ब्रेकअप हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आइसक्रीम लेकर पहुंच जाऊंगी। फोंग गंदा सा लुक देकर वहां से चला जाता है। ताइन भी बाइक पर जा रही होती है, रास्ते में बाइक फिर से खराब हो जाती है। ताइन उसे ठीक करने लगती है। सुमो भी वहां से गुजर जाता है और फिर अचानक से ताइन के पास आ जाता है। ताइन डर जाती है, सुमो उसे स्क्रू ड्राइवर लेता है और उसकी बाइक चेक करता है और ठीक कर चला जाता है। ताइन को लगता है, अगर वो सुमो के साथ अच्छे से बिहेव करेगी तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि ऐसा उसकी फ्रेंड ने कहा था। दोनों अपने अपने घर पहुँचते हैं। इसके बाद सुमो को फिर से एंग्जायटी फील हो रहा होता है तो आइसक्रीम खाता है पर उसे वो आइसक्रीम खा के वैसा फील नहीं होता जैसा ताइन के हाथ की बनी आइसक्रीम खाकर होता है। सुमो अपने विंडो से ताइन को देख रहा होता है और उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर स्माइल करने लग जाता है। जैसे ताइन उसे देखती है, सुमो कर्टन कवर कर लेता है। सुमो को लगता है, शायद ताइन की आइसक्रीम की वजह से ही उसकी आवाज ठीक होती है। इसके बाद सुमो ताइन के घर की डोरबेल रिंग करता है। ताइन बाहर आकर डोर खोलती है और पूछती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? सुमो बोलता है, मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर ताइन की आंखें बाहर आ जाती है, ये तो बोल भी सकता है। सुमो बोलता है, मैं तुमसे आइसक्रीम बनाना सीखना चाहता हूँ। ताइन बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी? सुमो बोलता है, देखो तुमने मेरा ड्रोन तोड़ दिया था। ताइन बोलती है, मैं पैसे चुका दूंगी। सुमो बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी हेल्प कर दो, आइसक्रीम बनाना सिखा दो। ताइन पूछती है, मुझसे आइसक्रीम सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो क्या? सुमो बताता, ऐसा नहीं है, मैं बस अपने लिए बनाना चाहता हूँ। ताइन पूछती है, ठीक है सिखा दूंगी पर उसके बाद मेरा पीछा छोड़ देना। सुमो मान जाता है और बोलता है, कल सुबह 7 बजे मेरे घर पहुँच जाना। ताइन 7 बजे उठने के बहुत सारे अलार्म लगा लेती है लेकिन रात भर ताइन को नींद ही नहीं आती तो टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमो देखता है, 8:30 होने वाले हैं पर अभी तक वो आई नहीं। ताइन घोड़े बेचकर सो रही होती है, उसे अलार्म की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद ताइन उठती है और फोन देखती है, तभी डोर बेल रिंग होती है। ताइन डोर ओपन करती है, सुमो बोलता है, तुम लेट हो गई हो, जल्दी आओ। ताइन उसके साथ जा रही होती है, सुमो उसे अपने बैक डोर से लेकर जाता है। ताइन पूछती है, क्यों? सुमो बोलता है, तुम आइसक्रीम मेकर हो तो तुम्हें बैक डोर से लेकर जाऊंगा। सुमो को गुस्सा आता है। ताइन स्लीपर चेंज करती है पर सही से नहीं रखती तो सुमो उसे ठीक कर रख देता है। ताइन नोटिस कर लेती है। इसके बाद ताइन उसे आइसक्रीम बनाना सिखा रही होती है, तभी सुमो को ऑफिस से कॉल आ जाता है। ताइन आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर देती है। सुमो उसे दूर से ही देख कर सारी रेसिपी लिख रहा होता है। ताइन बोलती है, बन गई। ताइन सुमो के ड्रोन को छेड़ने लग जाती है, सुमो उसे ठीक करता है। ताइन फिर से छेड़ती है तो सुमो फिर से ठीक करता है। ताइन समझ जाती है, इसे OCD है। आइसक्रीम तैयार हो जाती है, ताइन उसे दे देती है। सुमो बोलता है, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम चलती बनो। ताइन को गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। सुमो को आइसक्रीम खाकर अच्छा लगता है और फिर खुद से बनाने का भी ट्राई करता है। सुमो आइसक्रीम बना लेता है पर उसे खाकर उसे वैसा फील नहीं होता जैसा सुमो की आइसक्रीम खाकर होता है। सुमो तो लगता है शायद उसने रेसिपी सही से नहीं लिखी, वो कुछ भूल गया है। सुमो दोबारा से ताइन के घर की डोर बेल रिंग करता है। ताइन को गुस्सा आता है, अभी दोबारा क्यों आया है। फिर ताइन खुद को शांत करती है, इससे लड़ना नहीं है नहीं तो मेरे लिए ही कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ताइन खुद को शांत कर डोर खोलती है। सुमो बोलता है, मुझे फिर से आइसक्रीम बनाना सिखा दो। ताइन बोलती है, मैं बिजी हूँ, एक तो मेरे घर का पाइप लीक हो रहा है, ऊपर से मुझे साफ सफाई भी करनी है। सुमो बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। सुमो पाइप ठीक करने लग जाता है। ताइन को उसकी मदर का वीडियो कॉल आता है, उनसे बातों में लग जाती है। तभी सुमो बाहर आकर उसे टूल बॉक्स पूछता है। ताइन बता देती है,
मदर सुम्मू को देखकर पूछती है लड़का कौन है। ताइन बताती है प्लम्बर है। मदर बोलती है प्लम्बर तो काफी हैंडसम है। तभी सुम्मू बाहर आकर ताइन के क्लोज आता है। मदर उसे देखती रह जाती है। सुम्मू टूल लेकर वहाँ से चला जाता है। मदर पूछती है सच में प्लम्बर है। ताइन हाँ बोलती है। मदर बोलती है घर में किसी स्ट्रेंजर को मत आने दिया करो। ताइन बोलती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और बाय बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। के बाद सुम्मू ताइन को आकर बताता है मैंने पाइप ठीक कर दिया अब जल्दी चलो। ताइन बोलती है ठीक है थोड़ी देर में सफाई कर आती हूँ। सुम्मू बोलता है ठीक है जल्दी आना और वहाँ से चला जाता है। ताइन सफाई करने की बजाय खुद को तैयार करने में लग जाती है। वो इतना हैंडसम है तो मैं अगली क्यों रहूं। ताइन तैयार होकर उसके घर पहुंचती है। सुम्मू उसे देखकर बोलता है तुम सफाई करने वाली थी ना। ताइन बोलती है मुझे लगा तुम्हें वेट नहीं कराना चाहिए। इसके बाद ताइन अपने शूज उतारती है और इस बार सही से रखती है। ताइन फिर से उसे आइसक्रीम बनाना सिखाती है। सुम्मू ध्यान से सारी रेसिपी नोट कर रहा होता है। ताइन को उसके बालों से परेशान होता देख सुम्मू अंदर से एक रबर बैंड लाता है और उसके बालों को टाई कर देता है। ताइन खुश हो जाती है और थैंक यू बोलती है। सुम्मू बोलता है मैं नहीं चाहता था आइसक्रीम में तुम्हारे बाल गिर जाए। ताइन गुस्से से उसे देखने लग जाती है और फिर गुस्से से यह आइसक्रीम बनाती है। ताइन बोलती है मैंने आइसक्रीम बना दी है अब मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। ये कहकर ताइन वहाँ से चली जाती है। ताइन रबर बैंड को देखकर खुश हो रही होती है जो सुम्मू ने उसे दिया होता है। पर फिर सोचती है उसके पास ये लड़कियों वाला रबर बैंड कहाँ से आया जरूर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तभी ताइन को उसके फ्रेंड दीदी का कॉल आता है। दीदी उसे घूमने के लिए बाहर बुलाता है। ताइन मना कर देती है कल रात मैं सोई नहीं थी अब मैं सोने जा रही हूँ। दीदी ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। दीदी ताइन को बहुत ही पसंद करता है पर कभी उसे कहने की हिम्मत नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर सुम्मू फिर से आइसक्रीम बनाने लगता है और इस बार भी वो आइसक्रीम वैसी नहीं होती जैसी उसे चाहिए। सुम्मू समझ जाता है जो आइसक्रीम ताइन खुद बनाती है उसी से उसकी एग्जाइटी ठीक होती है। थोड़ी देर बाद ताइन जाकर मौसम देखती है और अच्छा मौसम देखकर पहाड़ों पर जाकर घर का डिजाइन बनाने का सोचती है। सुम्मू उसे जाता हुआ देख लेता है। ताइन बैठकर स्केचिंग कर रही होती है। सुम्मू भी अपना ड्रोन लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ताइन ड्रोन को अपने पास देकर फिर से डंडा उठा लेती है पर फिर समझ जाती है इस बार फिर से उसने अगर ड्रोन तोड़ा तो सुम्मू उसे फिर से ब्लैकमेल कर सकता है। ताइन अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है तभी ड्रोन उस पर गिरने वाला होता है। सुम्मू अपना हाथ बीच में लाकर ताइन को बचा लेता है। ताइन उसकी चोट पर अपना स्कार्फ बांधती है। सुम्मू बोलता छोटी सी चोट थी इसकी क्या जरूरत थी। ताइन बोलती है तुमने मुझे बचाया मैंने तुम्हारी चोट पर पट्टी बांधी हमारा हिसाब बराबर हो गया। और ताइन पूछती है तुम्हारा ये ड्रोन हमेशा मेरी तरफ क्यों आ जाता है। सुम्मू बोलता है जब से इसकी चिप गुम हुई है रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। और सुम्मू बोलता है अगर तुम चाहती हो ये तुम्हारे पास ना आए तो तुम मुझे आइसक्रीम बनाकर खिलाओ। ताइन बोलती है तुम क्या लड़की हो रोज आइसक्रीम खाओगे। सुम्मू बोलता है ये मेरी एंग्जायटी में हेल्प करती है। ताइन बोलता है ठीक है मैं बहुत सारी आइसक्रीम बनाकर तुम्हें दे दूंगी तुम उसे फ्रिज में स्टोर कर देना। सुम्मू मना कर देता। सुम्मू बोलता है रोज शाम 7 बजे मेरे घर आ जाना और ये कहकर सुम्मू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ताइन रोज शाम 7 बजे सुम्मू के घर आकर उसके लिए आइसक्रीम बनाती है और कई दिनों तक इसी तरह चलता रहता है। एक दिन सुम्मू ताइन से पूछता है क्या तुम्हें घर के डिजाइन बनाना पसंद है। ताइन बोलती है हाँ इवन मैं खुद का भी घर डिजाइन करना चाहती हूँ। सुम्मू पूछता तो अभी तक किया क्यों नहीं। ताइन बोलते घर फ्री में खड़ा नहीं होता इसके लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तभी सुम्मू को कंपनी से कॉल आता है और उसे वहाँ बुलाते हैं। ताइन उसे बोलती है मैं भी वहीं जा रही हूँ तुम्हें वहाँ छोड़ देती हूँ। ताइन उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाती है। दोनों शॉप पहुँचते हैं। मोमो दोनों को साथ देखकर शॉक हो जाती है ये दोनों साथ में इतने अच्छे कब से हो गए। मोमो ताइन को साइन बोर्ड लगाने को कहती है। ताइन लगा रही होती है तभी सुम्मू वहाँ आकर उसकी हेल्प करता है। मोमो दोनों को साथ में देख रही होती है। सुम्मू के वहाँ से जाने के बाद मोमो बोलती है तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए हो जो वो तुम्हारी हेल्प भी कर रहा है आजकल। ताइन बोलती है ऐसी बात नहीं है उसने मेरी हेल्प की क्योंकि मैं उसे रोज आइसक्रीम बनाकर खिलाती हूँ। मोमो पूछते है इसका मतलब तुम रोज 7 बजे उसके लिए जाती हो। ताइन हाँ बोलती है। थोड़ी देर बाद सुम्मू आइसक्रीम लेने शॉप में आता है। ताइन उसे दे देती है और पूछती है घर साथ नहीं चलोगे। सुम्मू बोलता है तुम चली जाना मैं खुद चला जाऊंगा। बाहर आकर सुम्मू मियाँ की कार में बैठ जाता है। ताइन उसे देख लेती है पर उसे पता नहीं होता कि सुम्मू किसके साथ गया है। ताइन घर पहुंचते उसे सुम्मू के घर के बाहर वही कार दिखती है जिसमें सुम्मू बैठकर गया था। ताइन सोच में पड़ जाती है सुम्मू अपने घर लड़के को लाया है या लड़की को। ताइन टेरिस पर आकर उसके घर में ताक झाक करना स्टार्ट करती है। मियाँ सुम्मू को बोलती है मैं आज तुम्हारे घर ही रुकूंगी मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है जिस वजह से बहुत शोर होता है और मैं सो नहीं पाती। सुम्मू मान जाता है। ताइन टेरिस पर ही डेरा डालकर बैठ जाती है ताकि देख सके सुम्मू किसे अपने घर लाया है।
सुबह हो जाती है, ताइन सोकर उठती है। सुबह मियाँ के साथ घर से बाहर आ रहा होता है। ताइन को उन्हें देखकर गुस्सा आता है और बोलती है, मेरे से तो ये बोलता भी नहीं, देखो इसके साथ कैसे मुस्कुरा के चपर चपर बातें किए जा रहा है। दोनों कार में वहाँ से चले जाते हैं। ताइन को और भी गुस्सा आता है। ताइन गुस्से में अपनी शॉप में पहुँचती है। मोमो उसकी शक्ल देखकर पूछती है, ये क्या हुआ? ताइन बोलती है, कुछ नहीं, बस मैं छत पर सो गई थी। ताइन मोमो से पूछती है, एक लड़की रात भर अगर लड़के की घर सोए तो इसका क्या मतलब है? मोमो बोलती है, इसका मतलब दोनों लवर हैं। सुमो को गुस्सा आता है, मुझे लग ही रहा था। ताइन डिसाइड करती है, अब से वो सुमो को आइसक्रीम बनाकर नहीं खिलाएगी। मोमो पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? ताइन बताती है, नहीं। मोमो बोलती है, करना भी मत, नहीं तो बैड लक वापस आ जाएगा। ताइन बोलती है, मेरा बैड लक चला गया है, और वापस घर जाने लगती है। उसके जाने के बाद सुमो शॉप पर आता है। ताइन नहीं दिखती तो वापस चला जाता है। ताइन बाइक चलाते हुए सुमो के ख्यालों में ही डूबी होती है। तभी सामने से एक कार आती है। ताइन खुद को बचाने के चक्कर में गिर जाती है। ताइन घर पहुंचती है और खुद को साफ सुथरा कर लीदी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। सभी कहरों को में एंजॉय कर रहे होते हैं। तुलसी और सुमो घर पहुंच जाता है। बार बार ताइन की घर की तरफ देख रहा होता है, ये अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। थोड़ी देर बाद लीदी उसे घर छोड़ने आता है। ताइन बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। सुमो उन दोनों को देख लेता है। लीदी के जाते ही सुमो ताइन के घर की डोरबेल रिंग करता है। सुमो बाहर आकर पूछती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।